की या एमबीसी के तहत जो स्कूल चल रहे हैं जी, वो सीबीएसई के तहत 12th क्लास तक वहाँ पे तालीमी सहूलत है जी। 12th क्लास के बाद वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज बहुत ही कम है। दुबई में कुछ यूनिवर्सिटीज आई हैं और सऊदी अरब में भी कुछ यूनिवर्सिटीज के फ्रेंचाइज खुल चुके हैं जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि गल्फ कंट्रीज में रहने वालों की, हिंदुस्तानियों की अक्सरियत लेबर और ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की है जी, जी। तो वो आला तालीम के लिए कसीर फीस बेर नहीं कर सकते जी। पहली बात। और यहाँ की जो इंडियन यूनिवर्सिटीज वहां पर अपने फ्रेंचाइज के जरिए कोर्सेस ऑफर कर रही हैं जी, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जैसा कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जी, वो लोग, उन लोगों ने फ्रेंचाइज प्राइवेट कंपनीज को फ्रेंचाइजी की तरह वहां पे अपॉइंट किया है जो वहां पर ये कोर्सेस ऑफर करते हैं उनके जी। लेकिन उनकी फीस यहाँ पे जिस तरह एनआरआईस को और फॉरेन नेशनल्स को जो फीस यहाँ चार्ज करते हैं जी, बिल्कुल उस तरह की फीस वो लोग चार्ज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन की अगर आप बात करेंगे जी, तो यहाँ पर उसकी फीस कितनी होगी जी, 2,000-4,000 रुपए सालाना होगी, उससे ज्यादा का तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यही कोर्स जब आप गल्फ में करेंगे जी, तो उसकी फीस $1,000 या $1,200 हो जाती है जी। जब फीस में इतना बड़ा फर्क है, जबकि हुकूमत ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि गल्फ एनआरआईस को आप लोकल ट्रीट करें, और AICTE ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि इनसे एनआरआई फीस चार्ज न करें जी। तो मेरा सवाल यह है कि फिर हमको इस तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है जी। तो मैंने अपनी किताब में भी इस मसले को उठाया है और मैंने मुतालबा ये किया था जी कि AICTE का जो नोटिफिकेशन है गल्फ एनआरआईस को अलहदा और लोकल ट्रीट, लोकल कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट करने का जी, वो सिर्फ AICTE के तहत चलने वाले कोर्सेज पर लागू किया गया है जी। तो मैंने अपने किताब में मजमून मजामीन के जरिए ये मुतालबा किया है कि इस सहूलत को तमाम कोर्सेस और तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक तौसी दी जाए जी। इस सिलसिले में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आपने पूछा था कि इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है जी। तो जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वैसे एक यूनिवर्सिटी मेरी नजर से गुजरी है जी, जिसमें अपने करेस्पॉन्डेंट कोर्सेस में एनआरआईस के लिए भी हिंदुस्तानियों की मसावी फीस बताइए जी। लेकिन उन्होंने एक चीज रखी है कि आप एनआरआई हो या कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहे आप जी, आप इंडिया में जो फीस होती है वही फीस पे आप कोर्स कर सकते हैं जी। फर्क सिर्फ ये होगा कि जब आप कोर्स मटेरियल मंगाएंगे जी, इंडिया के एड्रेस पे मंगाएंगे तो आपको कोई ज्यादा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है जी, 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 जी। और अगर आप ओवरसीज एड्रेस पर आप कोर्स मटेरियल मंगवाना चाहते हैं जी, तो पोस्टल और हैंडलिंग चार्जेस के तौर पर वो अलग अलहदा चार्ज करते हैं जी। इसी तरह से एग्जामिनेशन जब होते हैं, अगर आप इंडिया के एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम लिखेंगे अपनी छुट्टियों पे आगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस की जरूरत नहीं है जी। और वही अगर आप फॉरेन कंट्री में अगर आप एग्जाम लिखेंगे तो वहां पे एम्बेसी में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जी, तो उसके जो एम्बेसी के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चार्जेस जो एम्बेसी के स्टाफ को शायद पे करने पड़ते हैं, तो उस सिलसिले में वो लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जी। लेकिन बेसिक फीस जो होती है वो बिल्कुल मसावी होती है जी। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर गल्फ एनआरआईस के लिए तमाम कोर्सों में, इवन करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में शुरू किया जाना चाहिए जी। ये बात मैंने अपनी किताब में भी उठाई है और इस सिलसिले में मैंने काम कुछ मसले को पेश करने की कोशिश की है। बिल्कुल नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल जिसका आप जवाब चाहते हैं तो वाज़े तौर पर आप सवाल करें, अपना फोन उठाएं और रिंग करें, अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी धीमी कर लें हमें कॉल करने से पहले, ताकि आपसे जो राबिता है वो मुमकिन हो पाए। जी सर, जहां तक हमने सुना है, हमने देखा है, मैं भी जब सऊदी अरब के दौरे पर आया था, खासकर रियाद और जिद्दा, तो हमने देखा कि एम्बेसी ऑफिशियल्स जो हैं वो काफी मददगार मुआविन साबित होते हैं। लेकिन जो मसाइल हैं तारिकीन वतन के, खासकर तारिकीन हैदराबाद अगर मैं कहूँ, तारिकीन हिंद अगर मैं कहूँ, तो उनके जो मसाइल हैं, क्या एम्बेसी वाकई कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाती है जिसमें जो है वाज़ह तौर पर उनकी मदद होती है, या फिर उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है वहाँ के कानून के हवाले या फिर वहाँ के औजारों के हवाले? आपका क्या तजुर्बा है सिलसिले में, आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक तारिकीन हिंद के मसाइल या सिलसिले में एम्बेसी के रोल का जहाँ तक सवाल है जी, तो मैं कहूँगा कि एम्बेसी और वहाँ के ऑफिशियल्स, उनकी जिम्मेदारी और उनका काम यही है कि वो वहाँ के हिंदुस्तानियों का ख्याल रखें जी। उन्हें हिंदुस्तान से इसीलिए भेजा गया है कि वो हिंदुस्तानियों का ख्याल करें जी। और गल्फ कंट्रीज में जितने भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम कर रहे हैं हिंदुस्तानियों की, तारिकीन वतन की जो मसाइल में मुब्तला है उनको हेल्प करने के लिए। बल्कि यहाँ पर मैं खास तौर पर एक बात कहना चाहूंगा जी,
नीता खाद के प्रोग्राम का, तो यहाँ पर भी उस सिलसिले में काफी खबरें हुई, काफी मुबाहसे हुए, काफी बातचीत हुई उस बारे में। नीता खाद का जब प्रोग्राम हुआ था, नीता खाद के सिलसिले में जब सऊदीजेशन हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज के फॉरेनर्स को निकाला जा रहा है, काफी बातें कही गई, काफी किस्म की नेगेटिव पब्लिसिटी की गई है उसकी इंडिया में भी जी। लेकिन उस सिलसिले में जो लोग, बेसिकली उसका मकसद ये था कि वहां पे जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं या जिनका डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है या जिन्होंने अपने लीगल स्टेटस खत्म हो चुका है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो उनको लीगल स्टेटस करेक्ट करने का मौका फराहम किया गया था बेसिकली। और उसमें एम्बेसी ने बहुत ही अहम रोल अदा किया जी। उस वक्त एम्बेसडर मिस्टर हामिद अली राव वहां पे थे जी। और हामिद अली राव साहब वहां पर थे और डॉक्टर अलीम जो है लेबर सेक्रेटरी लेबर इश्यूज जी। इन और उनकी टीम ने इस सिलसिले में काफी काम किया और उन्होंने बाजाबता हिंदुस्तानी सोशल वर्कर्स की एक टीम बनाई और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह के यहाँ पे कैंप्स होते हैं उस तरह के कैंप्स मुनाकिद करके जो जो लीगली तौर पे जो परेशान है उनको हल करने की कोशिश की जी, जी। तो वहां पर दो किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग जी। एक ऐसा था कि लोग अपना लीगल स्टेटस इस हद तक खो चुके थे कि सऊदी अरब में उनका खयाम कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया था जी। और उन्हें अपने मुल्क को वापस जाना चाहते थे लेकिन उनके पास जाने का भी कोई रास्ता नहीं था जी। क्योंकि मुल्क को वापस जाने के लिए उनके पास लीगल स्टेटस होना जरूरी है, पासपोर्ट भी होना जरूरी है जी। तो एम्बेसी ने अपने तौर पर उनकी कोशिश मदद करके उनका इमरजेंसी सर्टिफिकेट, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनका इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाया जाता है और जिनके पास पासपोर्ट है उन्हें टिकट फराहम किया जाता करते हुए मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। तो एम्बेसी ने उस सिलसिले में काफी कुछ काम किया है, मुख्तलिफ कई तरीके के सोशल वर्कर्स को अपॉइंट करके लोगों की काउंसिलिंग की गई और कई लोगों का स्टेटस करेक्ट किया गया और कई ऐसे लोग जो उनका लीगल स्टेटस करेक्ट नहीं हो सकता था उनको वतन लौटा दिया गया जी। तो इस बात जो उसके बाद जो एक अहम बात सामने आई वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सब होने के बाद जब नीता खाद का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसकी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई, कहने लगे कि लोग जो है मुकामी अफराद को मुलाजिमत के मौके फराहम करने के लिए बैरूनी लोगों को निकाल रहे हैं जी। इस तरह की बातें हुई जी। लेकिन जब नीता खाद का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ जी, तो उसके बाद सऊदी अरब में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ जी। अब तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी एक ही वजह यह थी कि सऊदी अरब में कई लोग ऐसे थे जो लीगली जिनका लीगल स्टेटस मुनासिब नहीं, ठीक नहीं था या इलीगल स्टे था जी। जैसा कि इलीगल स्टे में कई लोग ऐसा करते हैं कि यहां से जाते हैं कुछ अर्सा मुलाजिमत करते हैं और कफील से कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है तो कफील से अलहदगी अख्तियार करते हैं जिन्हें वहां पे हुरूप कहा जाता है जी। हुरूप के कई केसेस होते हैं, हुरूप के केसेस को करेक्ट किया गया कई। बल्कि मैं आपको एक और बात वहां पे कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा एक मसला जो मेरे हाल ही में मेरे सामने पेश आया था जी, कि लोग अपने लीगल स्टेटस की कोई अहमियत कितना देते हैं जी। नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई मुल्क में चले गए, वहां पे हमारी जॉब चल रही है, काम चल रहा है, अब हमारे लीगल स्टेटस की क्या जरूरत है जी। तो मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहूंगा जी। मेरे दोस्त हैं एक जी, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई मेरे भतीजे का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया, 6 साल का लड़का है जी। और वो कह रहे थे कि भाई उसके वालिद ने 6 साल की उम्र हो गई लेकिन उन्होंने बच्चे का ना पासपोर्ट बनाया ना बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जी। तो अब वो मुझसे फोन करके पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा तरीका बताएं कि जल्द से जल्द उसका पासपोर्ट बनवाएं जी, ताकि उसकी तफ्तीश में आसानी हो सके जी। मैंने अपने कुछ अहबाब से सोशल सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से रब्ता पैदा करके उनसे मशवरा किया, तो एक बात ये मालूम हुई कि ऐसे केस में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है जी। फिर हमने उनको गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के अंदर उनकी तफ्तीश अमल में आ गई जी। तो उस दौरान मुझे जो एक चीज मालूम हुई जी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग जो हिंदुस्तानी बैरूनी मुल्क मुकीम हैं जी, वहां पर अगर कोई बच्चा कोई औलाद होती है कोई पैदाइश, तो उनके लिए लाजमी है कि वो 1 साल के अंदर पासपोर्ट बनवा लें और अपने एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर 1 साल के अरसे में वो पासपोर्ट भी ना बनाए और रजिस्ट्रेशन भी ना करवाएं जी, तो उसके बाद अगर वो पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं जी, तो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है जी, और उनको ऑटोमेटिक नेशनलिटी का हक खो देते हैं वो जी, जी। और उनको इस तरह से अगर वो अप्लाई करते हैं 1 साल के बाद, तो फिर उनको उनकी फाइल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जाता है न्यू दिल्ली को जी, और वहां से अप्रूवल आने तक इंतजार किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो पूरा इतना लंबा प्रोसेस है, कोई फॉरेन नेशनल अगर इंडियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है जी, तो जो प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस इनके लिए होता है। बिल्कुल सर, हम बात करेंगे इस पर भी, एक कॉलर हमारे साथ हैं। और अस्सलाम वालेकुम,
नेटवर्क का। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? सर ये बाहर जाने के लिए एज की कोई ज्यादा जरूरत पड़ती क्या? एज साल की एज हो गई। अच्छा, एज लिमिटेशन के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे मोहतरम इस सिलसिले में सैफुद्दीन साहब से। और कोई सवाल आपका? नहीं वही सर, कोई एजेंट आए तो कोई अच्छे एजेंट है तो फिर आप बोले तो कोई जा सकता है। बिल्कुल, वहाँ पैसे लेके पासपोर्ट लेके रख ले रहे हैं, कुछ भेज रहे नहीं। जी जी बिल्कुल, हमें पूछना था, हमें सिलसिले में बात करिए मोहतरम, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी सर, कोई एज लिमिट है वीजा लिखने के लिए या फिर? नॉर्मली ये कहा जाता है कि 40 साल से ज्यादा हो तो थोड़ी सी दुश्वारी होती है जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वीजा लगने का मसला तो बाद में है जी। आप सबसे पहले ये देखें कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है जी। क्योंकि अगर आपके पास कोई कंपनी का ऑफर हो तभी तो आप जॉब के लिए वीजा के लिए अप्लाई करेंगे जी। तो सबसे पहले आप ये गौर करें कि कौन सी आपको कंपनी में किस उम्र में मुलाजिमत मिल सकती है जी। बल्कि वहां पर सऊदी अरब में तो आजकल ये हो गया है कि फॉरेनर्स को 60 इयर्स के बाद इकामा पे रिन्यूअल नहीं होता जी। वहां पर लोगों ने 60 इयर्स की एक लिमिट लगा रखी है जी। जो 60 इयर्स की लिमिट क्रॉस करते हैं अगर उनके कोई कंपनी अगर चाहे तो फिर उनको कोई एक्सेप्शनल स्किल्स वगैरह बताती है या ये बताती है कि लोकली हमको इस टाइप का कैंडिडेट नहीं मिलता है, इनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, ऐसा कुछ करके कुछ एक्सेप्शंस हासिल कर लिए जाते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे बेसिकली। और जहां तक आप इंटरव्यू देकर मुलाजिमत हासिल करने का ताल्लुक है तो उस सिलसिले में यही डिपेंड होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एज का मसला है। मजमूई तौर पर अगर आप जो बात कर रहे हैं मजमूई तौर पर देखा जाए तो 50 साल की उम्र में जा सकते हैं, मतलब अगर कोई ड्राइवर का वीजा है या फिर कोई ऐसा 50 साल की उम्र में वीजा लगना भी मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि प्रोफेशंस क्या है जी। जी प्रोफेशंस भी क्या है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल है या कोई कंसल्टेंट है या कोई डॉक्टर है या कोई कंसल्टेंट है तो आपको मैं समझता हूँ कि एज की कोई हद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आजिर है आपको जो मुलाजिमत फराहम कर रहा है वो गवर्नमेंट को बताएगा कि भाई ये मेरे लिए बहुत जरूरी है और लोकली अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है जी। लेकिन इस तरह के जो प्रोफेशन है नॉर्मली मैंने आपको बताया ना कि वहां पर जो मुलाजिमीन है अभी खारिजी उनके लिए एक लिमिट लगाई गई है 60 इयर्स के बाद उनकी अकामे की तजदीद नहीं की जा रही है जी, जी। और दूसरी बात मैंने अभी सुना और वहां पर यानी कि तेजी के साथ रूल्स चेंज हो रहे हैं जी। और हाल ही में सुनने में आया था कि 40 साल वीजा जॉब के लिए जॉब वीजा के लिए लिमिट एक 40 साल की लगाई जा रही है जी जी। और अभी सुनने में आ रहा है कि अब नए साल के आगाज से ये वो मुहर्रम से और भी कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, नए रूल्स आने वाले हैं जी। तो बस मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप जब किसी भी मुल्क को जाना चाहते हैं तो उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस और कवानीन वहां के जो है उससे वाकिफियत हासिल करें। और आज के जमाने में जब इंटरनेट वगैरह की सहूलत है तो वो कोई मुश्किल काम भी नहीं है जी। बिल्कुल सर भाई, जहां तक आपने एम्बेसी ऑफिशियल्स की बात कही, एम्बेसी अहदेदारों की बात कही कि वो काफी ताबुन फराहम करते हैं जी, जी। और हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे केसेस मंजर आम पर आते हैं जहां पर ये कहा जाता है कि कफील की जानिब से सताया गया है या फिर जो कंपनी ले गई थी वो कंपनी की जानिब से सताया गया। इस पर हम जरूर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप क्या पूछना चाहेंगे? शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि जहां तक तारीकी वतन का ताल्लुक है, हमने सुना है कोई स्पॉन्सर का सताया हुआ है, कोई कंपनी का सताया हुआ है, कोई आजिर का सताया हुआ है, चाहे वो तनख्वाह का मामला हो, चाहे छुट्टी का मामला हो, ऐसे दीगर कई मसाइल हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत देर से लाइन पर, हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मोहतरम, अपना सवाल करें आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहाँ पर इंडिया में कम्युनिटी के तौर पर काम के लिए डॉक्टर को डॉक्टर को सकते हैं, स्पेशली मुस्लिम को जी, बिजनेस वगैरह करते हैं, आपका जॉब वर्क करते हैं जी, या जो भी कंपनी वगैरह में देखिए तो आपको रिक्रूटमेंट सर्विस करते हैं जी। रिक्रूटमेंट में जैसे आपको जॉब वर्क देखते हैं और कुछ जैसे कॉल यू यूजर वेट वॉच करते हैं जी 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 जी
और जब आते हैं मैं उनकी इंक्वायरी करता हूँ तो देखो उसमें नॉन मुस्लिम लोग हैं जी, मुस्लिम को इस मामले में इकोनॉमिक तौर पर उनको वो करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, हम आपके जी 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 हम आपके जज्बात समझते हैं। इस सिलसिले में भी जो है कई केसेस सामने आ चुके हैं। आपने बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। और आपने जिस जज्बे से कहा है कि खासकर रिजर्वेशन के मामले में आपने बात कही है कि काबिलियत के हिसाब से जो है जॉब देने चाहिए, मुलाजिमतें देनी चाहिए। आपका खुद एक कड़वा एक्सपीरियंस रहा है इस ताल्लुक से, जहां पर काबिलियत रहने के बावजूद कोई दूसरे कैंडिडेट को दे दिया गया। देखिए ये एक प्रोसेस है, एक हमारा मुल्क चूंकि एक बड़ा मुल्क है, इसमें कई मसाइल हो सकते हैं और मसाइल हल होने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। और इसके लिए जो है हम कोशिश ये करें कि हम जिन प्रॉब्लम से गुजरे हैं, हम जिन मसाइल से गुजरे हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो जो है उससे महफूज रहें, वो उन मसाइल से न गुजरे। आपकी आवाज उठाना वाजिबी है क्योंकि आप एक कड़वे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कंपटीशन भी एक चीज है जिसमें आना चाहिए, और कंपनीज से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो सिस्टम में जो है एक इनकलाब इस लिहाज से भी पैदा करें कि जो काबिल हैं उन्हें जॉब दिया जाए। सर भाई, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मौजू से हट के थोड़ा सवाल आया, खासकर यहाँ पर जो मुलाजिमतें हैं उन मुलाजिमतों के बारे में ये सवाल था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एम्बेसी के बारे में, एम्बेसी के औजारों के बारे में आपने बताया, लेकिन जहां तक मैंने दौरा किया है सऊदी अरब का, मैंने भी देखा है कि वहां पर कई तंजीमें हैं। हम अगर बात करें रियाद और जिद्दा की, तो कई ऐसी तंजीमें हैं जो सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस में लगी हुई है, वो पेश रहती हैं। खासकर कोई ऐसे तारीख वतन का कोई अगर मसला रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो वो हमेशा आगे आगे रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिद्दा और रियाद की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, और इन ब्रॉडवे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, तो कौन सी ऐसी तंजीमें हैं और उन तंजीमों के सरबराहान हैं जो है ये तगुदू में लगे हुए हैं कि तारीख वतन की मदद की जाए? जी, वैसे तो सऊदी अरब में बहुत सारी तंजीमें हैं, तंजीमों के अलावा भी कई मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं जो इनफरादी तौर पर काफी काम कर रहे हैं जी। इस सिलसिले में जब इनफरादी एफर्ट्स का जिक्र निकलने आए, तो मैं एक शख्स का यहाँ पर खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा जी, जिनका नाम शिहाब कुतुकुडू है जी, जो केरला रियासत से ताल्लुक रखते हैं जी, जो मुलाजिमत के अलावा मुलाजिमत करते हुए भी वो रोजाना तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा वक्त जी सोशल सर्विस के लिए लगाते हैं जी। और वो मैंने जो कहा था ना कि एम्बेसी में सोशल वर्कर्स को वॉलंटियर के तौर पर रिक्रूट किया था इंतखाबात में जी, तो उसमें इनका बहुत ही सरगर्म रोल रहा था जी, और उनके हर किस्म के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया है जी। यहाँ तक के हिंदुस्तानी, चंद हिंदुस्तानी जो एक सऊदी शख्स के कत्ल के केस में मुलविस थे जी, उसमें भी वैसे केसेस में भी वो मुलविस हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। एक केस का उन्होंने मुझे जिक्र किया था, बल्कि अखबार में भी उसका काफी चर्चा हुआ था जी, कि कुछ हिंदुस्तानी तारीखी ने वतन के हाथों एक सऊदी का खत्म हो गया था जी, और उस खत्म के घर वालों ने कह दिया था कि हमें इनसे कोई ब्लड मनी नहीं चाहिए, इन्हें फांसी दे दी जाए जी। तो उस शख्स ने मुसलसल कई महीनों तक उस खानदान से रब्ता करके उनसे मुसलसल बातचीत की, गुफ्तगू की, और उन्हें फाइनली कन्विंस किया कि वो ब्लड मनी को एक्सेप्ट करें जी। फिर उन्होंने सऊदी अरब में मुकीम बड़े ताजरीन से रब पैदा करके उसकी ब्लड मनी का इंतजाम किया, केरला की गवर्नमेंट से रब पैदा किया जी, क्योंकि केरला से उनका ताल्लुक था जी। फाइनली उन्होंने उनको राजी करवाया और फिर ब्लड मनी का अरेंजमेंट करवाया और उनकी रिहाई भी अमल में आई जी। तो ये शिहाब कुतुकुड है, और इसी तरह की मुख्तलिफ लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो दामे दरमे सुखने हर तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं जी। एक फ्रंट पर सोशल वर्कर्स अपने तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी है जो इस तरह की एक्टिविटीज में मदद करने के लिए
फाइनेंशियली हो या किसी भी किस्म की मदद, वो हमेशा तैयार रहती है। जहां तक हैदराबादी कम्युनिटी का सवाल है, सऊदी अरब में तो जिद्दा और रियाद और दमाम में काफी सारे हैदराबादी हैं जो मुख्तलिफ किस्म के समाजी खिदमात में अपने आप को जुड़े हुए हैं। रियाद में खास तौर पर मुख्तलिफ तंजीमों को कुछ बिजनेस लीडर्स हैं, बिजनेस के कुछ ताजरीन हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है, जिसमें जनाब मोहम्मद रफीक साहब काफी सरगर्म हैं। मोहम्मद रफीक साहब के अलावा मोहम्मद शहबाज फारूखी साहब हैं और इसके अलावा और भी कई ताजरीन और कई बिजनेसमैन हैं जो मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब जहां तक तंजीमों की आप बात कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारी तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ फ्रंट्स पर अपने आप को अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं। कुछ तंजीमें हैं जो सिर्फ तालीमी खिदमात में मुलविक में अपने आप को यानी कि तालीमी खिदमात के लिए वक्फ कर चुकी हैं। कुछ तंजीमें हैं जो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करवाती हैं। कुछ तंजीमें हैं जो सोशल सर्विस के लिए एक्टिव हैं और कुछ तंजीमें हैं जो मुशायरे वगैरह करवाती हैं, अदबी प्रोग्राम्स करवाती हैं और उर्दू, कुछ तंजीमें हैं जो सिर्फ उर्दू के फरोग के लिए भी काम कर रही हैं। तो सऊदी अरब में जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनमें से कुछ तंजीमों के नाम मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिसमें बज़्म इत्तेहाद है, हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी है, जामिया मिलिया इस्लामी अलुमनाई एसोसिएशन है और एक विश्वास है, बिहार फाउंडेशन है, गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एनआरआई एसोसिएशन ये हाल ही में कायम की गई है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ केरला एसोसिएशन इन सऊदी अरेबिया फोकासा है, ये केरला के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है, ये लोग भी काफी एक्टिव और अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन इंजीनियर्स फोरम है, इंडियन बिजनेस फोरम है, तंजीम हम हिंदुस्तानी, दक्कन कल्चरल एसोसिएशन, तेलुगु कला क्षेत्रम, तमिल संघम, खाके तैयबा ट्रस्ट जिद्दा की भी आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, हैदराबाद में उनकी जानिब से तालीमी खिदमात काफी है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल वहीद है। जी भाई जी, मेरा एक सवाल ये है कि जी भाई हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं तो अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि अब जो सऊदी अरब के रूट के लिहाज से अगर भाई जो सरपरस्त है बहन का तो उसको ले जाने के जो सोर्स क्या है? जी 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 बिल्कुल, वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालदा का भी इंतकाल हो गया 3 महीने के अंदर, वालिद भी वहाँ पे 30 साल रहकर आए थे जी, और एक छोटी बहन है 10th क्लास पढ़ रही है वो जी, मगर अब उसके जो जो बड़ा भाई जो शादी शुदा है वो अपने साथ बहन को रखना चाह रहा जी, और एक दूसरे भाई साहब भी वो जो वही पे जो सऊदी में भी जॉब कर रहे हैं, ये भी सऊदी में जॉब कर रहे हैं जी, तो बहन को लेकर जाने का है वहाँ पे, उसके क्या वक्त रहे? बिल्कुल, इसी समय हम बात करेंगे। मोहतरम, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी सर भाई, अभी जो मसला आपने सुना है, बहन के जो सरप्रस्त भाई हैं वो ले जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या नहीं, क्या? नहीं, इसमें जहां तक भाई सऊदी में मुलाजिम है और वो बहन को बुलवाना चाहते हैं तो उसमें एम्बेसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जी, वो सिर्फ उन्हें ऑनलाइन वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी वेबसाइट्स पर आजकल हर चीज वो लोग ऑनलाइन कर चुके हैं जी, जी। इन्हें बस ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना होगा और उनकी कंपनी से उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जी, और फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स को जाना होगा, तो इंशाल्लाह वीजा आसानी से मिल सकता है, लेकिन ये विजिट वीजा मिलता है जी, चूंकि वहां के जो खवानीन है उसके हिसाब से परमानेंट वीजा सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स यानी कि बीवी और बच्चों के लिए मिलता है जी, और अगर जहां तक बहन का सवाल है तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है और मैंने समझता कि उनको उनके लिए परमानेंट वीजा मिल सकता है। हाँ, विजिट वीजा निकाल सकते हैं जो 3 महीने का होता है नॉर्मली और फिर उसे 2 या 3 मरतबा एक्सटेंड किया जा सकता है, 3-3 मरतबा और फिर वो दोबारा फिर बुला सकते हैं। अच्छा, एक बार बुलाने के बाद में फिर आप दोबारा कुछ अर्से के बाद दोबारा फिर अपनी बहन को बुला सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सैफ भाई ने कहा कि परमानेंट वीजा का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है चूंकि भाई सरपरस्त हैं, लेकिन ये एक मसला हो सकता है। जहां तक सैफ भाई आप तंजीमों के बारे में कुछ कह रहे थे, खाके तैयबा तक आप आए थे। हाँ, जी जी, खाके तैयबा ट्रस्ट के अलावा जिद्दा में और भी हैं, जैसा कि उर्दू एकेडमी है जी, और इसके अलावा एनआरआई फोरम रियाद अभी रिसेंटली फॉर्म हुई है जी,
इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ और तंजीमें हैं जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को काफी फरोग दे रहे हैं आजकल, जिसमें जिद्दा क्रिकेट लीग है, रियाद क्रिकेट काउंटी है, जीके स्पोर्ट्स अकेडमी है, और मिडिल ईस्ट टेबल टेनिस अकेडमी के बारे में भी आपने सुना होगा, जो हैदराबाद के हमारे मोहम्मद जिया रहमान साहब वहाँ पे मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को टेबल टेनिस की तरबियत देने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी बच्चों को उन्होंने डेवलप किया है। और उन्हीं के लड़के अमानुर रहमान ने सारे गल्फ के सीबीएसई स्कूल्स को रिप्रेजेंट करते हुए सीबीएसई टूर्नामेंट में इनाम भी हासिल किया पहली मर्तबा, जो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली कायम की गई है, मुमताज स्पोर्ट्स एकेडमी, जो मैंने कहा था अभी कि मुमताज ग्रुप ऑफ होटल्स के सदर हैं मोहम्मद रफीक साहब, उनकी सरगर्दगी में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त भी हैं और दामे दरमे सुकन हर किस्म की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो उन्होंने एक मुमताज स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की है और उन्होंने अजम किया है कि वो मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में फरोग देंगे। फिलहाल उनका फोकस फिल वक्त क्रिकेट पर है, और अभी 15 अगस्त जो यौम आज़ादी थी, यौम आज़ादी के बाद उन्होंने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया है जो अभी जारी है रियाद में, इंडिपेंडेंस डे कप क्रिकेट टूर्नामेंट। तो उसके बाद वो मजीद और भी करने और भी टूर्नामेंट्स कंडक्ट करने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हमने सैफ भाई से पूछा भी कि खासकर मसाइल और उनके हल के तजवीज़ें और कई चीज़ें। प्रोग्राम का चूंकि अख्तितामी मरहला आ चुका है, मैं सैफुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे नौजवानों की रहबरी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त पर तोल रहे हैं कि वो खलीजी ममालिक जाएंगे और वहां पर कोई ना कोई जॉब करेंगे। नौजवानों का जो रुझान है आला तालीम की तरफ कम है, बल्कि देखा यह जा रहा है कि एसएससी या इंटरमीडिएट होते ही एक ही बात होती है कि बस बाहर जाना है, भाई वीजा भेज रहे हैं, भाईजान वीजा भेज रहे हैं और हमें बाहर जाना है। ये जो ट्रेंड है, क्या ये टूटना चाहिए सैफ भाई, के आला तालीम यहाँ पर हासिल करने के बाद कुछ ऐसा देखना चाहिए, क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे आप खासकर नौजवानों से? जी बेसिकली मैं नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जब अपने मुल्क से किसी बैरूनी मुल्क को मुलाजिमत के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, आप अपने आप को एजुकेशनली स्ट्रेंथन कीजिए। और एक चीज आप जहन में रखें कि सिर्फ तालीमी काबिलियत आपको मुलाजिमत नहीं दिलवाएगी, आपको तालीमी काबिलियत के साथ साथ तजुर्बा भी होना जरूरी है। आप अखबार में देखते होंगे कई कंपनीज के इश्तेहार हर रोज आते हैं, अंग्रेजी और उर्दू अखबार में आपने देखा होगा, कई कंपनीज है जो पूछती है कम से कम 3 साल का तजुर्बा हो, कोई कंपनीज पूछती है 5 साल, बल्कि कोई कंपनी 10 साल और 15 साल का तजुर्बा भी पूछती है। तो आप जिस फील्ड में मुलाजिमत अख्तियार करना चाहते हैं अपने आप को उस फील्ड में मनवाएं और उसका मुनासिब तजुर्बा हासिल करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम आप ग्रेजुएशन तक यहाँ पे तालीम हासिल करें, या अगर आप इंटरमीडिएट के बाद भी जाना चाहते हैं तो कुछ टेक्निकल कोर्सेस करें। अखबारात में आप लोग इश्तेहारात का मुतालिया करते हुए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किन कोर्सेस का ज्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। या अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं वहाँ के ओहदेदारों से मशवरा करें कि भाई गल्फ में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, उस हिसाब से आप एक प्लान्ड तरीके से आप अपनी तैयारी करें। और एक चीज मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा कि एक अहम बात जो आजाद वीजा का जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे नौजवानों में वो भी कॉन्सेप्ट है कि आजाद वीजा पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज, आजाद वीजा का जो लफ्ज है वो हम इंडियंस बल्कि खासतौर पर हैदराबादियों का फ्रेम किया हुआ है। हकीकत में आजाद वीजा नाम की कोई चीज ही नहीं है जी। बेसिकली वीजा सिर्फ एक ही होता है, जॉब वीजा और वो विजिट वीजा जी। तो एक जॉब वीजा जो होता है, आपको एक कंपनी की तरफ से जॉब का ऑफर होता है और वो जॉब के लिए बुलाते हैं जी। तो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है वहां की कंपनीज या जो छोटे मोटे कंपनीज हैं और जो कफील हैं जी। वो आपको वहां पे मुलाजिमत ऑफिशियली यही होता है कि आप वहां उनके लिए पास मुलाजिमत के लिए जा रहे हैं जी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि वहां जाने के बाद आप आजाद तौर पर कोई और मुलाजिमत तलाश कर लेंगे जी। लेकिन कई लोगों ने आजाद वीजा हासिल करके जो सऊदी अरब जाने वाले नौजवान हैं वो कफीलों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं जी। ऐसे कई वाकयात हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको इस बात को कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना टाइम लगेगा जॉब मिलने में जी। कभी 6 महीने लग सकते हैं, कभी साल होता लग सकता है। अगर 1 साल का अरसा हो गया आपका अखा मारे निवल आता है, जब आप कफील के पास जाएंगे अखा मारे निवल के लिए
मुंह मांगी रकम तलब करता है जी। और फिर ऐसे भी कई कफील हैं जो इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस वक्त तक आप बाहर काम कर रहे हैं या उसके पास से ट्रांसफर नहीं लेंगे उस तो उसको मंथली फीस पे करनी पड़ती है, ऐसे भी कई कफील हैं जी। तो इस तरह मैं ये कहूंगा कि एक आप आजाद वीजे से बचने की कोशिश करें, जॉब वीजा पे जाएं, अपने आप को जो फील्ड में आप जॉब अख्तियार करना चाहते हैं उसमें अपने आप को स्ट्रेंथन करें, अपने स्किल्स और एबिलिटीज को बढ़ाएं और टेक्निकली साउंड नॉलेज हासिल करें और प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स उसी रिलेटेड फील्ड में आप जॉब करते हुए अपने आप को ग्रूम करें, तो एजुकेशन कंप्लीट होते ही अगर आपके पास अगर कम से कम एक साल का तजुर्बा भी हासिल हो जाए तो एजुकेशन के बाद और एक आध साल का एक्सपीरियंस गेन कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको पार्ट टाइम में पीजी या करेस्पॉन्डेंस वगैरह कर लें साथ में, तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, हमने बात की मोहम्मद सैफुद्दीन से जो जॉइंट एडिटर yahin.com है। बाय प्रोफेशन आप एक बैंकर भी हैं और काफी वसी तजुर्बा रखते हैं। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अख्ताम में उन तमाम के मशहूर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की पेशकशी को यकीनी बनाया। रूबी चैनल इंतजामिया अलावाजी हमारे साथ, PCR इंचार्ज सैयद इनायत मौजूद है, उनके हम मशहूर हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सैफुद्दीन साहब के काफी ममनून हैं कि बावजूद गुनागु मसरूफियात के, चूंकि ये उनका वेकेशन है, सऊदी अरब से वो आए हुए हैं, बावजूद वेकेशन के उन्होंने हमें वक्त दिया और कई सारे मसाइल पर बात की। हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, यही वक्त होगा, यही चैनल होगा और एक और शख्सियत आपके रूबरू होगी ताकि आप उनसे इस्तेफादा हासिल करें। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा जाएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।